हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सबको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षा में काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें देखिए, आपको पावर जो है 2 है, अगले वाले प्रश्न में आपको पावर 3 तक दिखाई देगा। तो दोनों प्रश्न आपको बताएंगे, आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में जरूर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, यदि a प्लस वन अपान ए बराबर क्या है 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको दिखाई देगा तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, ऐसे प्रश्न हमेशा फार्मूला बेस्ड होते हैं, आप उन्हीं की सहायता से इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पावर 2 है और बीच में क्या है, प्लस है, तो आपको क्या यहाँ पर ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर का फार्मूला आपको लगाना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर फार्मूले में a लिखा हुआ है, a की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये वाला a लिख देना है, और जहाँ पर फार्मूले में b लिखा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1/a लिखना है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब हम क्या इनको सॉल्व करेंगे, a की जहाँ पर हम इस a वाले को रखेंगे तो a हो जाएगा, प्लस देखिए b की जहाँ पर 1/a लिखना है तो 1/a लिखेंगे। अब ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए ए की जगह पर ए लिखना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह पर हमें 1/a लिखना है तो 1/a लिखना है, तो बी का पावर 2 है तो 1/a पूरे का पावर 2 होगा। इसका मतलब ए का भी पावर 2 है तो एक का पावर 2 का मतलब एक ही होगा, और नीचे ए का भी पावर 2 होगा तो एक पावर 2 होगा। इस चीज़ को हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/a का पावर 2 हो जाएगा, प्लस क्या है, 2ab है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। a की जहाँ पर a लिखना है और b की जहाँ पर हमें 1/a लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर a प्लस वन अपान ए बराबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर देखिए a प्लस वन अपान ए है, इसकी जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसका पावर 2 था तो हम 2 का भी पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर है तो इसको उसी तरह लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस 2 इंटू ए इंटू वन अपान ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा में करेंगे क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, 2 को पावर 2 को मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस 2 में है, जब भी इधर आएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर होगा। अब देखिए हमें इसी का मान निकालना है, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर का ही मान आपसे पूछा था, तो इसका मान कितना आ चुका है, 2। तो जिसका मान पूछेगा उसको आप लेफ्ट साइड में लिखिएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 इधर लिखा हुआ है इसको आप इधर लिख लीजिएगा, यही फाइनली आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस टाइप के प्रश्न इसी तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तब जाकर आपको क्या, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं जिसमें पावर 3 होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए x माइनस वन अपान एक्स बराबर 3/2, तो x पावर 3 माइनस वन अपान एक्स पावर 3 का क्या करना है, आपको मान बताना है। तो ऐसे प्रश्न क्या फार्मूला बेस्ड होंगे, यहाँ पर देखिए पावर 3 है और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम a माइनस बी का क्या होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी होता है, यही फार्मूला होता है। फार्मूला आपको क्या याद रखना है, जब फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। अब देखिए जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जहाँ पर आपको क्या x लिखना है, जहाँ पर फार्मूले में b है उसकी जहाँ पर 1/x लिखना है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब चलिए मैं रखता हूँ, a की जहाँ पर हमें x लिखना है, b की जहाँ पर हमें 1/x लिखना है, बराबर क्या हो जाएगा, ये पावर 3 था तो इसका भी पावर हम क्या कर देंगे, 3 करेंगे। यहाँ पर a का पावर 3 है यानी a की जहाँ पर x लिखना है तो x पावर 3 होगा, b की जहाँ पर हमें 1/x लिखना है यानी b का पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/x पूरे का पावर 3 होगा, यानी 1 का पावर 3 का मतलब 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा, a की जहाँ पर x लिखना है और b की जहाँ पर 1/x लिखना है। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी है, a माइनस बी का मतलब a की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, x लिखना है, अब b की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1/x लिखना है, तो यहाँ पर आप 1/x लिखेंगे। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए x माइनस वन अपान एक्स बराबर क्या है, 3/2, तो जहाँ पर x माइनस वन अपान एक्स है वहाँ पर हमें 3/2 लिखना है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस वन अपान एक्स है इसके जहाँ पर हम 3/2 लिखेंगे, इसका पावर 3 था तो इसका पावर 3 करेंगे। आगे देखिए x का पावर 3 है,
माइनस वन अपान एक्स पावर थ्री है, इसको हम इसी तरह लिखेंगे। माइनस देखिए यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस थ्री, तीन का गुणा एक में करेंगे कितना होगा तीन ही होगा। यहाँ पर देखिए यक्स माइनस वन अपान एक्स है तो यक्स माइनस वन अपान एक्स की जगह पर हमें तीन बटे दो लिखना है तो इंटू क्या हो जाएगा इसकी जगह पर हम तीन बटे दो लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इनको सॉल्व कर लेंगे, तीन बटे दो पूरे का पावर थ्री यानी तीन बटे दो इंटू तीन बटे दो इंटू तीन बटे दो तीन बार लिखेंगे तो तीन त्रिकोण नौ नौ त्रिक कितना हो जाएगा सत्ताईस हो जाएगा। नीचे देखिए दो का पावर थ्री का मतलब टू इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा दो दूना चार चार दूना आठ हो जाएगा, बराबर क्या होगा एक्स पावर थ्री माइनस वन अपान एक्स पावर थ्री। आगे कितना हो जाएगा तीन त्रिक का कितना हो जाएगा माइनस नौ हो जाएगा, नीचे क्या होगा दो होगा। अब आपको क्या करना है माइनस नौ बटे दो को इधर लेके आना है तो ये जो इधर माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर सत्ताईस बटे आठ प्लस क्या हो जाएगा नौ बटे दो हो जाएगा, बराबर क्या होगा यक्स का पावर थ्री माइनस वन अपान यक्स का पावर थ्री। अब ये देखिए भिन्न की जोड़ की तरह है तो इनको हम जोड़ेंगे, आठ और दो का एलसीएम क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, जब उसका एलसीएम क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा तो यहाँ पर सत्ताईस बटे आठ है तो इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे सत्ताईस बटे आठ। यहाँ पर दो चौके कितना हो जाएगा आठ, नौ चौक कितना हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस छत्तीस लिखेंगे। नीचे आपका हर कितना है आठ है, बराबर आपका कितना है एक्स पावर थ्री, यक्स का पावर थ्री माइनस वन अपान यक्स का पावर थ्री। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो सात छः तेरह तीन हाथ लगा एक तीन दो पाँच एक छः यानी सिक्सटी थ्री बाई एट बराबर क्या आ चुका है यक्स का पावर थ्री। तो अभी देखिए जब मैं लास्ट में उसे समझा रहा था तो लाइट कट गई जिसकी वजह से सब कुछ सोलूशन जो था वो गायब हो चुका है। तो शायद मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि तिरसठ बटे आठ बराबर एक्स पावर थ्री माइनस वन अपान एक्स पावर थ्री है तो जिसका मान निकालना रहता है इसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे जो एक्स पावर थ्री माइनस वन अपान एक्स पावर थ्री इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे इस तरह से एक्स पावर थ्री माइनस वन अपान क्या वन अपान एक्स पावर थ्री बराबर क्या हो जाएगा ये जो तिरसठ बटे आठ इधर है तो इसको हम इधर लिखेंगे तिरसठ बटे आठ, यही फाइनली आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इन्हीं प्रश्नों पर क्या ढेर सारे प्रश्न होंगे आपके एक्सरसाइज में उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी मजबूत मिलेगी। तो इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।